तो भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं N150 का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। हालांकि N150 का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, बट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। मतलब कि इसका मीटर कंसोल है वो डिजिटल कर दिया गया है। आप साउंड सुन सकते हैं इसका भी, मैं आपको साउंड भी सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं अंडर बेली एग्जॉस्ट इसमें मिल जाता है, सेम आपको N160 में भी मिलता है। और मैंने सोचा कि ठीक है रिव्यू कर ही देते हैं पूरा। जिन्होंने नहीं वाला वीडियो देखी वो इस वीडियो में इसका रिव्यू पूरा एक फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको सेम N160 का लुक प्रोवाइड करा गया है। इसमें दो DRL मिल जाते हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। देखने में आगे से पूरी N160 के तरीके है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हूबहू N160 है। बट सस्पेंशन इसके चेंज करे गए हैं, सस्पेंशन इसके थोड़े से मतलब पतले हैं और N160 के थोड़े से ज़्यादा मतलब मोटे हैं। आप देख सकते हैं मीटर कंसोल इसका अब जो है वो डिजिटल में आ गया, पहले सेमी डिजिटल मीटर था। तो ये सारा चीज़ें मैं आपको मतलब पूरी डिटेल में एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई प्लीज़ यार। तो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, रेड कलर बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। रेड कलर मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, एकदम ग्लॉसी कलर है, शाइन कर रहा है और एक अच्छा लुक भी आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको इस नंबर प्लेट का स्पेस मिल जाता है फ्रंट में, उसके नीचे आपको दो DRL मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प में ये मतलब खासियत होती है कि जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और जब आप पास दे फेंकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थ्रो अच्छा होता है लाइट का। तो विजिबिलिटी के मामले में बहुत बढ़िया होता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन थोड़े से वीक है, मतलब N160 में थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड आते हैं, इसमें थोड़े से पतले हैं। कंफर्ट में थोड़े से ज़्यादा बेटर है N160 के सस्पेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्पेंशन के साथ आपको मेडगार्ड मिल जाता है, ब्लैक और रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और साइड में आपको ग्राफिक्स स्टिकरिंग भी मिल जाती है, ABS की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और सस्पेंशन के ऊपर ही आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। आपको डिस्क मिलती है विद ABS, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, 260 mm की आपको डिस्क मिल जाती है इसमें। और टायर आपको मिल जाते हैं MRF के, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, 90x90 के 17 इंच के आपको टायर मिलते हैं इसमें। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रही है बाइक। आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं मैट ब्लैक में। तो ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है वो बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा लुक एक प्रोवाइड करा गया है। और इसे कंपटीशन की बात कर लूँ, इससे पहले आपको इंडिकेटर बता देता हूँ। हैलोजन के आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं इसमें। TVS राइडर के आसपास इसका कंपटीशन है। तो आपको कैसी लग रही है, आपको राइडर ज़्यादा पसंद है या N160, आप कमेंट करके बताइएगा। फाइबर बॉडी आपको मिलती है इसमें और साइड में आप स्टीकर देख सकते हैं। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ग्लॉसी कलर काफ़ी बढ़िया लग चमक रहा है। इसके साथ क्रोम की आपको बैजिंग मिल जाती है, पल्सर की आप देख सकते हैं, सेम पल्सर लिखा हुआ है। और ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है। इंजन की बात कर लूँ तो आपको बजाज का इंजन मिल जाता है इसमें, 149.68 cc का। मैक्स पावर की बात कर लूँ तो 10.66 की आपको मैक्स पावर मिलती है, 8,500 RPM पे टॉर्क मिलता है, 13.5 Nm का टॉर्क 6,000 RPM पे। तो 150 सेगमेंट में अच्छी खासी आपको पावर भी मिल जाती है। फिर आपको एक इंजन काउल मिल जाता है ताकि इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए धूल मिट्टी पानी होने से, तो ये एक एडवांटेज इसमें मिल जाता है। रेड कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सिंगल स्टैंड मिल जाता है, डबल स्टैंड मिल जाता है, गियर मिल जाता है, गियर शिफ्टर और 5 गियर के साथ आती है बाइक। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। माइलेज आपको मिल जाएगा 45 से 50 का माइलेज मिल जाएगा। E20 के बैजिंग के साथ आ रही है, तो सब बाइक जो है वो E20 के साथ ही आ रही है। और इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी मिल जाता है, तो इसमें आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। बाकी फ्यूल टैंक तो मैंने आपको बता दिया, माइलेज मैंने बता दिया है, बाकी लुक देख सकते हैं साइड प्रोफाइल से। फिर यहाँ पे आप फुटपैक्स मिल जाते हैं वाइट कलर के, तो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी सही लग रहा है, रेड ब्लैक वाइट। फिर यहाँ पे भी आपको एक ग्राफिक्स मिल जाते हैं, N150 की ब्रांडिंग मिल जाती है, फॉन्ट सेम यूज़ करा गया जो N160 में यूज़ करा गया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, वो एक नहीं है साइड स्टैंड का जो होता है वो यहाँ पे नहीं लगा है। N160 में आपको साइड स्टैंड एक जाली लग जाती है। यहाँ पे पीछे आपको MRF के टायर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस 120x80 के 17 इंच के आपको टायर मिलते हैं। यहाँ से आप सीट खोल सकते हैं। हाइलोजन के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और रेयर सस्पेंशन में आपको मोनोसॉक सस्पेंशन इसमें मिल जाता है।
बाकी जो लेकिन पीछे का थोड़ा खाली लुक लग रहा है, वही मैंने बताया ना एक जाली लगी होती है जो स्टैंड, वो नहीं लगा है इसमें। N160 में आपको एक एक्स्ट्रा वो मिल जाता है लोहे का। बाकी टेल लाइट आपको सेम मिलती है जो N160 में मिलती है। टेल लाइट काफ़ी बढ़िया है इसकी, वो नो डाउट अच्छी लग रही देखने में। फिर आपको डिस्क मिल जाती है पीछे भी, और N160 में भी डिस्क मिलती है, बट इसमें ABS नहीं है, उसमें डुअल चैनल ABS या सिंगल चैनल ABS के साथ आती है डिस्क, लेकिन इसमें भी मिल जाती है। अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, सेम N160 में भी मिलता है, और N150 में भी अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। फिर फुट पैक्स मिल जाते हैं, ये आपको रेयर ब्रेक का स्पेस मिल जाता है, इसमें आपको किक स्टार्ट मिलता है, N160 में किक स्टार्ट नहीं मिलता है। तो पहले आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता था, अब आपको ये डिजिटल मीटर मिलता है, एक स्क्रीन मिल जाती है, आप देख सकते हैं सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। इवन इसमें आपको मोड का भी सिस्टम मिल जाता है, मतलब मैसेज कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, ये सब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ इसमें अब आने लगी है। यहाँ से मैंने ऑन किया, यहाँ पे न्यूटन की लाइट मिल जाती है, इस तरह आपको ABS और चेक इंजन की लाइट मिलती है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है, और ऊपर आपको RPM मिलता है, और बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, नीचे आपको फ्यूल इंडिकेशन भी जैसे कि दिख रहा है रिफ्यूल, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओडो मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, और मोड मिल जाते हैं। मैं आपको मोड दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट मैं ये, हाँ यहाँ पे आपको मोड का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप ब्लूटूथ मतलब फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं बाइक, जैसे कि कॉल आती है, मैसेज आते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो बटन दबा रहे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फीचर अब आ गया N150 में, N160 में नहीं मिलता है, और जो पुरानी N150 आती थी उसमें भी नहीं मिलता था। अब मैं एक बार आपको थ्रो दिखाता हूँ इसका, तो थ्रो काफ़ी बढ़िया है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी ओवरऑल सेम बाइक है जैसे पहले की थी। बात कर लेता हूँ प्राइस की, तो ये ऑन रोड आपको पड़ जाती है 1.5 लाख की। एक आइडिया दे देता हूँ, प्रॉक्स मतलब दे दिया मैंने कि 1.5 लाख के आसपास आपको ये बाइक पड़ जाएगी, अलग स्टेट के अलग प्राइस होते हैं, तो ऑन रोड लेकिन 1.5 लाख के आसपास की पड़ जाएगी, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा प्राइस, ये मैं लखनऊ की शोरूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ मिस हो जाता है तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, दिस इज़ अल्फा मेल साइनिंग ऑफ, बाय।